नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवांश द्विवेदी आज के इस वीडियो में लेकर के आया हूँ आपके लिए RRB ELPN टेक्नीशियन के लिए आपका जो CBT 2 एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पार्ट बी में जो आपने ट्रेड सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो उसके लिए यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आज की क्लास में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बेसिक ऑफ AC एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स के बारे में। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स रहेगा यहाँ पे आपको एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये है इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, बेसिक ऑफ AC एंड इलेक्ट्रिकल्स केबल का पार्ट सेकंड है और ये क्लास है इसकी। ठीक है, फर्स्ट क्लास में ही ये सेकंड पार्ट है इसकी। फर्स्ट क्लास की एक और क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है पार्ट फर्स्ट के नेम से। ठीक है, पार्ट फर्स्ट लिखा हुआ है, और अगर वो देखना चाहते हैं आप तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर चाहें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के नाम से, तो वहाँ से भी आप इसकी सारी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फोल्डर मिलेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो वहाँ से आप उसकी सारी क्लासेस देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी क्लासेस आ रही हैं उनकी अगर आप PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, तो PDF फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8602648770 पर। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दिया है इसकी सारी आपको PDF फाइल के तौर पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सीधा चलते हैं अभी सिलेबस की ओर, और ये अभी सिलेबस का एक यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस में दिया हुआ था बेसिक ऑफ AC एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स, जिसके लिए बेसिक टर्म से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक टर्म सच एज इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर के हमने यहाँ तक इंस्टेंटेनियस वैल्यू तक हमने पार्ट वन में कंप्लीट कर लिया था, पार्ट वन में कंप्लीट कर लिया था, और इस पार्ट में बाकी का यहाँ तक है ये फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा तक। तो यहाँ तक आज के इस वेले पार्ट टू में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हमने आपके लिए नोट्स को रेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है इंसुलेटर्स, यानी कि इंसुलेटर को हम बोलते हैं विद्युत रोधी। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, इनकी प्रकृति जो होती है वो होती है कि कुचालक होते हैं। ठीक है, यानी ये विद्युत के प्रवाह को अवरोध कर देते हैं, पूर्णतः अवरोधित कर देते हैं, जिसकी वजह से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जैसे कि लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, इसी प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उनको विद्युत का कुचालक कहते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। तो अगर देखा जाए तो विद्युत रोधी में क्या होता है, जो चालन बैंड होता है और जो इसका संयोजकता बैंड होता है उसके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होती है, तो उसकी चौड़ाई कुछ ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पे आपको विद्युत रोधी ये पदार्थ जो अपने गुण दर्शाते हैं, यानी कि विद्युत के प्रति जो गुण दर्शाते हैं वो होता है इनका विद्युत रोधी। ठीक है, इसको हम इमेज के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया है कि ये देख सकते हैं आप, ये होता है इसका चालन बैंड। ठीक है, और ये होता है संयोजकता बैंड। चालन बैंड और संयोजकता बैंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना गैप है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, संयोजकता बैंड और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसकी वजह से उसमें क्या होता है, विद्युत का चालक संभव हो पाता है। तो ठीक है, ये विद्युत का जो भी आवेश है ये सब कुछ आपको पार्ट वन में मिलेगा, डिटेल से मिलेगा, वो आप देख लीजिएगा पार्ट वन का वीडियो, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच, इसमें बहुत अधिक अंतर होता है, इस वजह से ये पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि चालक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो सकता है। ठीक है, जो धातुएं होती हैं वो सभी विद्युत की चालक होती हैं, पृथ्वी भी एक विद्युत का चालक होता है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो भी एक विद्युत का चालक की तरह ही कार्य
करती है। आपने देखा होगा कि कोई करंट होता है, अगर हम उसको पृथ्वी यानी अर्थिंग कर देते हैं तो वो करंट सीधा पृथ्वी में चला जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया है कि विद्युत का चालक। ठीक है, तो किसी भी धातुओं में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो आपको पता ही होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रवाह होता है। ठीक है, और एक चीज़, सबसे अधिक चालक जो वस्तु होती है यानी कि जो धातु है वो होती है चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, इस प्रकार का क्रम होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो चालकता का गुण प्रदर्शित करती है वो होती है चांदी। ठीक है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है और इस वजह से वहाँ पर विद्युत का प्रवाह सुगमतापूर्वक हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ दो स्थितियों में विद्युत का चालक बनता है। तो विद्युत का चालक अगर कोई पदार्थ बनता है तो वो केवल और केवल दो कंडीशन की वजह से बनता है। नंबर एक है कि जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे चालन बैंड के द्वारा बताया गया है कि ये जो चालन बैंड है ये आंशिक रूप यानी इतने रूप में भरा हुआ है, तो ये विद्युत का चालक इस वजह से यहाँ पे संभव हो पा रहा है। देखिए, जब चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है तो उस पदार्थ में विद्युत का चालन यानी कि विद्युत का परिवहन तो होता है लेकिन वहाँ पे प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि जब किसी पदार्थ के संयोजकता चालन सॉरी संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप से मतलब कि यहाँ पे ये चालन बैंड है और ये संयोजकता बैंड है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि ये हिस्सा जो है आपका, ये हिस्सा, ये वाला बीच का हिस्सा, यानी एक दूसरे को ये क्या किए हुए हैं, ओवरलैप किए हुए हैं। ठीक है, ओवरलैप कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया है कि ये जो यहाँ पे चालन बैंड है ये इतना दर्शाया हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे चालन बैंड जो है वो इतना दर्शाया हुआ है और संयोजकता बैंड जो है वो इतना दर्शाया। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ओवरलैप है। ओवरलैप यानी जो हम इस प्रकार से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर से कर रहे हैं उसको ओवरलैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैप हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो ये देखा आपने कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तीसरा एक होता है अर्धचालक, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हैं, अर्ध यानी कि ये क्या होता है कि चालकता भी प्रदर्शित करता है किस कुछ परिस्थितियों में, यानी कि जब हम कुछ कंडीशन वहाँ पे बनाते हैं तो वो चालकता के गुण प्रदर्शित कर देता है, और कुछ कंडीशन बनाते हैं तो वहाँ पे वो प्रतिरोध यानी कि अर्ध सॉरी इसके यानी कि विद्युत रोधी की तरह भी वो कार्य करने लगता है। ठीक है, तो अर्धचालक जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक और विद्युत रोधी के मध्य यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिनकी चालकता पाई जाती है उनको हम विद्युत चालक कहते हैं। कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजकता के बैंड के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे चालन बैंड बनाया और ये हमने संयोजकता बैंड को यहाँ पे दर्शाया है आपको। ठीक है, तो इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है ये बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। जब हम क्या करते हैं, किसी सेमीकंडक्टर में हीटिंग देते हैं यानी कि ऊर्जा देते हैं, यानी कि वहाँ पे ताप देते हैं, ऊर्जा के तौर पे ताप देते हैं, तो वो क्या होते हैं कि बॉन्ड वहाँ पे टूट जाते हैं और वो होल्स प्लस वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रूप में वो टूट जाते हैं। होल्स होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन हो जाता है माइनस नेगेटिव, तो इसकी वजह से वहाँ पे जो है आपका जो करंट है वो फ्लो होने लगता है। ये चीज़ हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिएगा कि जो चालन बैंड है और संयोजकता बैंड है इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने होल्स के तौर पे दर्शाया और इसको इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे यहाँ पे दर्शाया। तो ये क्या होते हैं, आपस में मूव करने लगते हैं जिसकी वजह से विद्युत का प्रवाह यहाँ पे होने लगता है। और अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब बात करते हैं हम केबल के बारे में। हमारे सिलेबस में दिया हुआ था कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल एंड देयर स्पेसिफिकेशन टाइप्स ऑफ वायर एंड केबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे केबल्स के बारे में बात करें हम, तो पैरेलल वायर की लाइंस होती है जिसको हम समांतर तार लाइन बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर लाइंस होती है जिसको एंटेन युक्त तार लाइन बोलते हैं, फिर होती है हमारी को एक्सियल केबल, समाक्षीय केबल बोलते हैं, और एक होती है हमारी टेलीफोन लाइन जिसको हम टेलीफोन लिंक, जिसको हम टेलीफोन लिंक ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं
पैरेलल तार लाइन के बारे में। जो पैरेलल तार लाइन होती है यह काले फीते की तरह होती है, ठीक है। आपने जो काला फीता देखा होगा लगभग उसी की तरह होती है, जिसमें जो दो समान दो तार होते हैं, तो इस प्रकार से वायर होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ठीक है। किसी विद्युतरोधी के द्वारा जो तार हैं उनको आपस में जब हम बनाते हैं यहाँ, तो इनके बीच में कोई विद्युतरोधी पदार्थ यानी को कोई इंसुलेटर लगा दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ना हो सके और यहाँ पे प्रवाह जो रहे विद्युत का प्रवाह बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके, ठीक है। और इनका जो उपयोग होता है समांतर तार लाइन का जो उपयोग किया जाता है, वो हम अक्सर एंटीना और अभिग्राही सेट को जोड़ने में इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। ऐंठे युक्त तार लाइन यानी ट्विस्टेड पेयर वायर लाइन जो होती है, इसमें दो विद्युतरोधी तांबे तार एक दूसरे पर बटे हैं। तारों के बटे होने के कारण विद्युत चुंबकीय गतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। जो तार आपने देखे होंगे यहाँ पे, आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में जो तार का यूज़ करते हैं वो तार एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से ऐंठे हुए रहते हैं, ठीक है। इसको हम डायग्राम से दिखा देंगे आपको। तारों के मध्य जो होता है वो कुछ विद्युत चुंबकीय गतिरोध कम होने के लिए उसका टेलीफोन संचार लाइन में इसका हम यूज़ करते हैं, और इसके द्वारा 250 किलो हर्ट्ज बैंड चौड़ाई तक का सिग्नल हम इसके द्वारा प्रसारित की कर सकते हैं, यानी इसके द्वारा प्रसारित किया जाता है। यहाँ पे आप जो इमेज देख पा रहे हैं ये होता है हमारा क्या, यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाया गया है, ये होता है हमारा समांतर तार लाइन। जो समांतर तार लाइन है वो इस प्रकार से होती है, जिसमें जो पहला तार है ये दूसरा तार होता है, और बीच में देख रहे हैं बीच में यहाँ पे आपको इंसुलेटर दिया जाता है, इंसुलेटर लगा दिया जाता है यानी इंसुलेटर को फिक्स कर दिया जाता है, ताकि इन दोनों तार के मध्य जो है विद्युत प्रवाह में कोई भी दिक्कत ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। और ये दूसरा तार आपको दिखाया गया है, ये ट्विस्टेड वायर होते हैं, जिनमें आपने देखा होगा कि दो प्रकार के तार होते हैं जो एक दूसरे से इस प्रकार से ऐंठे हुए रहते हैं, यानी कि एक दूसरे में उनको हम लपेट देते हैं, कुल मिला के ये कहा जा सकता है साधारण भाषा में, ठीक है। फिर होती है हमारी ये कोएक्सियल केबल, जिसको हम बोलते हैं समाक्षीय केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है, जो टीवी वगैरह आपने देखी होगी, टीवी में यानी कि टेलीविज़न में हम एक केबल का यूज़ करते हैं, किसी भी आपने देखा होगा कोई डीटीएच है, और डीटीएच से लेके जब डीटीएच का जो पॉइंट होता है, तो कोएक्सियल केबल में यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, कोएक्सियल केबल क्या है, समाक्षीय केबल में एक तार होता है जो समाक्षीय खोखले बेलनाकार चालक से घिरा रहता है, ठीक है। आपने उसको देखा ही होगा जो टीवी के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो डीटीएच वगैरह या केबल ऑपरेटर जो हमें सीधा वहाँ से सिग्नल आता है, फिर हमारी टीवी में उस सिग्नल्स को जो है क्या करते हैं कि डिकोड करके हमारे वहाँ पे एक जो पिक्चर्स के थ्रू हम तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों चालकों के बीच परावैद्युतांक पदार्थ भरा होता है, जिनमें आंतरिक चालक बाह्य खोखले बेलनाकार चालक के अंदर के केंद्र पर बना होता है। परावैद्युतांक पदार्थ की प्रकृति प्रसारित होने वाली आवृत्ति और शक्ति पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या करते हैं, 20 MHz बैंड चौड़ाई तक के सिग्नल को प्रसारित कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आपको चित्र में दर्शाया हुआ है, तो आप इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं कि ये चालक होती, यहाँ पे देखा होता है आपने कुछ तार होते हैं, पतले सिल्वर के तार होते हैं, ये पार्ट होता है जो तांबे का एक मोटा तार लगा होता है, और बीच में जो देखते हैं आप पतली पन्नी, चमकदार पन्नी लगी होती है, पॉलीथीन लगी होती है, वो क्या होता है टेफ्लॉन की पॉलीथीन होती है, और वो परावैद्युतांक का कार्य करती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कार्य करती है, और ऊपर से फिर हम इसको एक इंसुलेटर केबल के द्वारा यानी कि इंसुलेटर पदार्थ लपेट देते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल पूरी केबल बनती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं कि समाक्षीय जो केबल होती है उनकी कुछ सीमाएँ होती हैं। आवृत्ति बढ़ने के साथ परावैद्युतांक माध्यम का प्रतिरोध घटने लगता है और चालकता बढ़ने लगती है, फलस्वरूप उसमें से होकर शक्ति का क्षय होने लगता है, जिसे परावैद्युतांक ह्रास कहते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा टेलीफोन लिंक्स। टेलीफोन लिंक्स के लिए भू तरंगे, आकाशीय तरंगे, माइक्रो तरंगे और समाक्षीय केबल, प्रकाश तंतु केबल का हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इनकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर 8602648770 पर हमें WhatsApp करें, वहाँ से आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दी जाएगी।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और भी कुछ ट्रेडर्स हैं जिनके लिए अभी मटेरियल तैयार हो रहा है, उनकी क्लासेस भी यहाँ पे आने वाली हैं, तो आप उनको रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।